शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जितना ही पियोगे उतना ही दहाड़ोगे, उतना ही दहाड़ोगे। हो गया। ये टेस्ट का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर हम अभी 5 से देखेंगे। ये टेस्ट हुआ था आपका पिछला क्लास में जो टेस्ट हुआ था उसी क्वेश्चन का है। क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर फाइव में कहा गया है एक तेरा धारा के विरुद्ध 750 मीटर की दूरी 675 सेकेंड में तय करता है तथा 7.12 मिनट में वापस आ जाता है तो शांत जल में उसका चाल क्या है। देखिए सबसे पहले चाल जब ये चैप्टर का नाम है नौधारा बोट एंड स्ट्रीम। नहीं, इसमें होता है क्या है, एक होता है शांत जल में नाव की चाल, क्या क्या होता है शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, एक होता है धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल और एक होता है धारा के विरुद्ध नाव की चाल, यानी धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होता है। कौन धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। ये तीन तरह की चाल को हम लोग को ध्यान में रखना होगा। एक है धारा के दिशा में नाव की चाल, क्या है धारा के दिशा में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। देखिए सबसे अधिक जो चाल होता है ना वो होता है धारा के दिशा में, कहाँ होता है धारा के दिशा में सबसे अधिक चाल होता है, उससे कम कहाँ होता है शांत जल में नाव की चाल, और उससे भी कम होता है क्या धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। सिंपल सी बात हम लोग समझे, जब देखिए जैसे नाव पानी है, क्या है पानी में नाव, पानी अगर ये देखेंगे अगर पानी इधर की ओर बह रही है, किधर बह रही है पानी इधर की ओर बह रही है और नाव भी इधर ही चलेंगे जिधर पानी बह रही है उधर ही नाव चलेंगे तो क्या होगा, एक तो पानी का खुद का वेग है, दूसरा वेग क्या नाव चलाते हैं तो नाव वाला खुद वेग लगाते हैं, ये दोनों वेग ऐड हो जाता है, दोनों की चाल क्या होता है झूट जाता है और झूटने के बाद क्या अधिक चाल हो जाता है, तो अधिक चाल होता है इसीलिए हम बताए थे धारा के दिशा में नाव की चाल क्या होता है सबसे अधिक होता है। दूसरा बात अगर देखेंगे यहाँ पे इसमें पानी है, पानी लेकिन क्या है शांत है, पानी क्या है पानी शांत, जब पानी शांत है तो क्या होगा, तो शांत पानी में यदि नाव चलेंगे तो आप किधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप इधर से इधर जाएं या इधर जाएं क्या करेगा पानी आपको कोई तरह का डिस्टरबेंस नहीं करेंगे, पानी कोई तरह का डिस्टरबेंस नहीं करेंगे, आप अपने हिसाब से नाव को चला सकते हैं, यानी इसमें पानी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, जिस वजह से क्या हुआ सी इसको कहते हैं शांत जल में नाव की चाल, यानी दिशा में नाव की चाल से क्या होगा कम होगा। और जब विपरीत की बात करें अगर पानी इधर की ओर जा रहा है और नाव इधर की ओर चलाएंगे तो क्या होगा, पानी क्या प्रेशर इधर से इधर लगा रहा है और क्या करें नाव वाले क्या करें नाव इधर से इधर प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा दोनों का प्रेशर एक दूसरे से क्या होगा टकराएगा, और एक दूसरे से क्या होगा टकराने की वजह से क्या होगा यहाँ पे आप देखेंगे तो चाल भी क्या होगा कमी आ जाएगा, क्योंकि ये पानी चाहेगा उधर चले और नाव वाला चाहेगा इधर चले, इस वजह से क्या होगा जो रियल वेग होगा वो क्या होगा रियल वेग घट जाएगा, जिस वजह से क्या होगा चाल यहाँ पे घट जाएगा, तो क्या होगा सबसे अधिक चाल धारा की दिशा में होगा उससे कम शांत जल में होगा और सबसे
से काम क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा। अच्छा अब देखिए होता है क्या, क्वेश्चन में यदि दिया रही है कि शांत जल में नौ की चाल एक्स है, क्या है शांत जल में नौ की चाल क्या दिया है, यदि एक्स दिया है, शांत जल में नौ की चाल क्या है एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है नहीं, और धारा के विपरीत दिशा में चाल यहाँ पे है और यहाँ क्या है धारा के दिशा में चाल है, यानी यहाँ जो देखेंगे यहाँ हम लिख लेते हैं क्या धारा की चाल, क्या लिख लेते हैं धारा की चाल, और यही बात यहाँ भी लिखते हैं क्या, यहाँ भी लिखते हैं धारा की चाल। ठीक है अब हम क्या बताएं, सबसे बीच में क्या होता है शांत जल में नौ की चाल होता है, इससे भी कम क्या होता है विपरीत दिशा में नौ की चाल होता है, इससे अधिक क्या होता है धारा दिशा में नौ की चाल होता है। अब देखिए शांत जल में नौ की चाल में यदि धारा की चाल वाई किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या है वाई किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में नौ की चाल और धारा की नौ की चाल को यदि ऐड कर दे यानी एक्स प्लस वाई कर दे यही क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा आपका धारा की दिशा में नौ की चाल, यानी शांत जल में नौ की चाल में धारा की चाल को यदि ऐड कर दे तो वो बन जाएगी क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा धारा की दिशा में नौ की चाल। यही काम अगर धारा की चाल यहाँ वाई है, यहाँ भी तो धारा की चाल ही है, यहाँ भी क्या हो जाएगा वाई किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि धारा की चाल यहाँ लिखे हैं तो धारा की चाल कहाँ लिखे हैं यहाँ भी लिखे हैं। अब सुनिए शांत जल में नौ की चाल में धारा की चाल को जोड़ दिए आया धारा के दिशा में नौ की चाल, यही बात शांत जल में नौ की चाल में यदि धारा की चाल घटा देंगे तो आ जाए क्या धारा के विपरीत दिशा में नौ की चाल, यानी एक्स में से वाई अगर घटा दे यानी एक्स में से वाई कर दे और ये किलोमीटर प्रति घंटा क्या रहता है धारा के विपरीत दिशा में नौ की चाल। उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ गए होंगे, धारा शांत जल में नौ की चाल में धारा की चाल ऐड करेंगे तो आ जाए क्या विपरीत दिशा में नौ की चाल, शांत जल की चाल में धारा की चाल घटा देंगे तो आ जाएगा कौन सी धारा के विपरीत दिशा में नौ की चाल। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं नहीं क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, यदि ये चीज लिखा रहे नोट करना चाहिए देख लीजिए, देखिए क्वेश्चन यहाँ शांत जल में नौ की चाल बराबर एक्स किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल बराबर वाई किलोमीटर प्रति घंटा नहीं तो धारा के दिशा में तो धारा की दिशा में नौ की चाल बराबर नहीं धारा की दिशा में नौ की चाल बराबर अभी तुरंत बताए थे कि शांत जल में नौ की चाल में यदि धारा की चाल ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा धारा के दिशा में नौ की चाल और शांत जल में नौ की चाल में यदि धारा की चाल घटा दिया जाए ये क्या बन जाएगा धारा के विपरीत दिशा में नौ की चाल। सेम यही बात को यहाँ पे लिखना है नहीं, जब शांत जल में नौ की चाल दिया रहे एक्स किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल दिया रहे वाई किलोमीटर प्रति घंटा तो धारा के दिशा में नौ की चाल क्या लिखेंगे, धारा के दिशा में नौ की चाल जस्ट अभी मैंने बताया था शांत जल में नौ की चाल प्लस धारा की चाल, यानी शांत जल में नौ की चाल शांत जल में नौ की चाल प्लस धारा की चाल नहीं इसी तरह से धारा के दिशा में नौ की चाल और यही लिखेंगे धारा के विपरीत दिशा में नौ की चाल, धारा की विपरीत दिशा में विपरीत में नौ की चाल
तो क्या होगा, शांत जल में नौ की चाल माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे सिर्फ लग जाएगा माइनस, यानी लगा दीजिए यहाँ पे माइनस धारा की चाल। ठीक है, ठीक है क्या, चलिए इसको नोट कर सकते हैं हम लोग। अभी तक हम इस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर पांच के लिए सिर्फ थ्योरी बताए थे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पांच को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पांच के लिए, क्वेश्चन नंबर पांच में दिया हुआ क्या है, एक तेरा धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध यहाँ पर जस्ट हम लोग लिख लेते हैं, नहीं ये धारा के विपरीत, धारा के दिशा में नौ की चाल, यहाँ पे शांत जल में नौ की चाल, शांत जल में नौ की चाल, और यहाँ पे धारा के विपरीत दिशा में नौ की चाल, यानी लिख लेते हैं विपरीत दिशा में नौ की चाल। चलिए क्वेश्चन नंबर में कुछ चीज और याद रखते हैं हम लोग, चाल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला, चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, चार बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, चार बराबर चली गई दूरी बटे जितना देर लगा जाने में समय, जितना दूरी तय किए बटे जितना समय लगा, दूरी में समय में भाग देंगे क्या आ जाएगा, चार। ध्यान रखना है अगर ये किलोमीटर में है और ये घंटा में है तो चार होगा किलोमीटर प्रति घंटा, अगर ये दूरी मीटर में है समय हुआ सेकेंड में तो चार हुआ मीटर, क्या हुआ दूरी बटे समय, ये चाल है यह है मीटर प्रति सेकेंड। कुछ खास चीज और ध्यान रखेंगे, अगर किलोमीटर प्रति घंटा को एक किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है पाँच बटे अठारह मीटर प्रति सेकेंड, यानी किलोमीटर प्रति घंटा को यदि बदलना है मीटर प्रति सेकेंड में तो पाँच बटे अट्ठारह से गुणा करना है, और एक मीटर प्रति सेकेंड बराबर होता है अठारह बटे पाँच किलोमीटर प्रति घंटा, यानी मीटर प्रति सेकेंड को यदि किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है अठारह बटे पाँच से गुणा करेंगे तो बदल जाएगा क्या, मीटर प्रति सेकेंड से बदल के आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। याद करने में दिक्कत है, ध्यान रखिए ये मीटर और किलोमीटर, किलोमीटर बड़ा या मीटर बड़ा, मीटर बड़ा, मीटर क्या छोटा, छोटा तो छोटा अंक, बड़ा तो बड़ा, कहने का मतलब मीटर ही पाँच बटे अठारह और अठारह बटे पाँच, ये लिखने में कन्फ्यूजन होता है तो ध्यान रखिए मीटर छोटा होता है तो ये छोटा बटे बड़ा, और ये किलोमीटर बड़ा है तो बड़ा बटे छोटा, याद रखेंगे नहीं तो सीधा याद रखिए ना, क्या दिक्कत है, इनको याद रखने में कोई परेशानी नहीं है। चलिए इस फॉर्मूला को ध्यान रखना होगा, चलिए आगे देखते हैं हम लोग फॉर्मूला के अलावा। इस क्वेश्चन में एक तेरा धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध काटा कितना दूरी, दूरी यहां दिया हुआ है, दूरी बराबर 750 मीटर, दूरी तय करने में समय लगा है कितना, ये टाइम दे रखा है 675 सेकेंड, और काटा यही दूरी वापस आने में, मतलब सेम दूरी, दूरी कितना वही है 750 मीटर, दूरी वापस आने में जो दिया है टाइम, वो टाइम दे रखा है 7/1/2 मिनट, यानी 7×14=15/2 मिनट को सेकेंड बनाने के लिए 60 से गुणा कर देंगे आ जाएगा ये सेकेंड, 2 से कैंसिल कीजिएगा कितना होगा 30, 15 किया 45, यानी 450 सेकेंड आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इसका स्पीड निकाल सकते हैं, इसका स्पीड निकाल सकते हैं, इसके लिए चार बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर
फिर बराबर क्या आता है, दूरी बटे समय, दूरी है 750 बटे समय कितना है 450। ये आया किसमें, दूरी निकाले हैं ना, हाँ चलिए इसको कैंसिल कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 15 से 5, 15 से 3 यानी कितना आया 5/3, ये आया 5/3 मीटर, और ये क्या है सेकेंड, स्पीड है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। सेम इसी तरह से यहाँ पर इसका भी चार्ज निकालिए, इसका भी स्पीड निकालिए, इसके स्पीड के लिए क्या है, दूरी है 750 मीटर बटे 675 सेकेंड, नहीं 25 से कैंसिल कीजिएगा, 7 × 4 = 30, 25 से कीजिएगा 4 × 24 = 27, अभी भी कैंसिल होगा 3 से कैंसिल कीजिए तो आएगा ये कितना 10, 3 से कीजिए तो 9, ये कितना आ जाएगा 10/9 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए स्पीड दिशा में 9 की चाल का और स्पीड क्या है विपरीत दिशा में 9 की चाल का। अब आपसे इसमें पूछा गया क्या, तो कहता है सांझ जल में 9 की चाल क्या होगा, सांझ जल में 9 की चाल क्या होता है, तो ध्यान रखिए सांझ जल में 9 की चाल बराबर दिशा में 9 की चाल प्लस विपरीत दिशा में 9 की चाल बटे दो यानी दिशा में 9 की चाल और शांत नल दिशा में शांत में 9 की चाल को जोड़ के आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा शांत दिशा में 9 की चाल, दिशा में 9 की चाल प्लस विपरीत दिशा में 9 की चाल को जोड़ के भी आधा कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, वो शांत में 9 की चाल यानी 5/3 प्लस 10/9 / 2 इसको जोड़िए, जोड़ने के लिए यहाँ 9 है, यहाँ 9 पूरा करने के लिए कितना 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3, यहाँ भी 9 यहाँ भी 9 यानी 5 × 3 15 + 10 15 + 10 = 25 25/9 और ये नीचे में ही 2 रह जाएगा कितना आ जाएगा 25/18 ये आ गया 7/9 ना, लेंदी लेंदी क्वेश्चन है सर, कितना रोगी।